ये बलेनो की बिल्ड क्वालिटी, पीछे से टवेरा ने टोका और आपस में जाके 820 की बिल्ड की। 820 में तो कम ही खर्चा आया। एयरबैग नहीं खुले लेकिन इसके, यार एयरबैग दोनों गाड़ी के नहीं खुले हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाया बता क्या, तो भी नहीं खुले एयरबैग इसका, तो खुलना ही चाहिए। हाँ ये तो दोनों नहीं खुले एयरबैग यार, किसी के भी सामने से उधर उसके भी थोड़ा पढ़ाई है ना झटका, एयरबैग तो खुलने चाहिए थे दोनों गाड़ी के। रेड बाई डब्बा है, बलेनो का जेटा मॉडल है, डीजल है, छह एयरबैग इसमें, लेकिन एक भी एयरबैग नहीं खुला। बलेनो को पीछे से टवेरा वाले ने ठोका तो उसका टायर फट गया, टायर फटने की वजह से 820 सामने आ रही से आ रही थी, बलेनो वाले ने ओवरटेक करा ट्रक वाले को, आप सामने से आ गई ये, अब पता है बलेनो के ब्रेक तो हो गया काम, इसके भी एयरबैग इसका भी नहीं खुला, ये भी नहीं खुला, वाला भी नहीं खुला। चलो अच्छा है किसी लगा नहीं लगे, हाँ ये थोड़ी देर ही हुआ। बिखर गया लाइट वगैरह सब कुछ, टायर फूट गया इसका, हाँ टायर पीछे से यहाँ से टवेरा वाले ठोका है इसको, यहाँ से पीछे हाँ टवेरा वाला तो भाग गया शायद। पुलिस आई है, सेटलमेंट होएगा अब इसका, इंश्योरेंस वालों ने दोनों पक्षों ने बोल दिया हमारे को कोई कानूनी कार्रवाई तो करनी है नहीं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जाएंगे ये लोग इंश्योरेंस वाले को बुलाएंगे, इंश्योरेंस पहले आके गाड़ी पहुँचेंगे पहले कंपनी के अंदर, उसके बाद में होगा जो भी। लेकिन ये है कि जो बच्चा है ना बलेनो जो चला रहा था ना, वो 18 साल का बच्चा भी नहीं था, पूरा 17 साल का लड़का है वो, उसके पास ना लाइसेंस है ना कुछ है, उसके जाके टूक गया, बहुत बेकार एक्सीडेंट हुआ है। ये है कि बच्चों को नहीं देनी चाहिए गाड़ी, बच्चों को दो रिक्स लो क्या मतलब, वो तो अच्छा है 20 वाले ने समझदारी दिखाई, अगर वो चाहता तो केस कर सकता था उस पर, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने बोला चलो ठीक है जो भी है सेटलमेंट हो जाएगा, बच्चे को फ्री कर दिया, बच्चे के थोड़ी सी चोट लगी, 820 तो पूरी भरी हुई थी, अगर ज़्यादा हो जाता पलटी खा जाती वहाँ से नीचे तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, अच्छा है बच गई। बाकी ये बात तो है बलेनो की बिल्ड क्वालिटी देख ली मैंने, जेटा मॉडल था वो ब्लू कलर का, डीजल दियो, एक भी एयरबैग नहीं खुला उसमें, बोला 6 एयरबैग है उसमें, 6 में से एक भी एयरबैग ऐसा नहीं है जो खुला हो, ना ही आई ट्वेंटी के अंदर भी एयरबैग नहीं खुला, अब या तो सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था इसलिए नहीं खुला जो भी है, लेकिन एयरबैग खुलना तो चाहिए यार, ऐसा इतना एक्सीडेंट हो गया बलेनो आगे से तो खत्म है पूरी, पीछे से भी इम्पैक्ट पड़ा, ऐसा नहीं बलेनो पीछे से नहीं, पीछे से टवेरा ने ठोका तो उसका टायर भी फट गया बम्पर पर ठोका, इतना भयंकर इम्पैक्ट पड़ा लेकिन फिर भी एयरबैग नहीं खुले उसके, और इसके अंदर तो दो ही हैं अपने, तो एक और ही दूसरा इधर, वो ये यार गाड़ी धीरे चलाओ सेफ चलाओ, माइलेज भी अच्छा आएगा, ऐसे पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है,
क्या मतलब है इतना तेज चलाने का, और नए नए बच्चे होते हैं उनको शौक होता है ऐसे भी तेज चलाने का गाड़ी, तो इसलिए बच्चे हैं थोड़ा बच्चों को देने से गाड़ी तो सेफ रहे तो अच्छा ही है। रोड भी सही डबल है, ऐसा नहीं कि रोड चौड़ा हो जाता, काम चल रहा है वहाँ से रोड से नीचे उतर दे तो गड्ढा आ जाता है 6-7 इंच का, उसके अंदर टायर जाए तो भी दिक्कत, इसलिए सेफ चलाओ आराम से चलाओ। बाकी देखते हैं, अब अपन तो आराम से चलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हो, बाकी सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार, वीडियो बनाया है धूप में खड़ा होगी।